हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है द क्लेवर क्रोज, चतुर कौए। ये दो कौए और एक सांप की कहानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी इंग्लिश सीखने का सबसे इजी तरीका है, जिसमें आपको प्रोनंसिएशन, वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जिस वर्ड का जो मीनिंग है मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ क्रोज लिव्ड ऑन ए ह्यूज ट्री। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, इसका अर्थ देख लेते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, सुंदर, पेयर जोड़ा, क्रोज कौए लिव्ड रहते थे, ह्यूज होता है विशाल। ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ क्रोज, एक सुंदर कौओं का जोड़ा लिव्ड ऑन ए ह्यूज ट्री, एक विशाल पेड़ पर रहता था। द सी क्रू लेड ए फ्यू एग्स इन हर नेस्ट। जो एक कौआ था और एक फीमेल कौआ था, जो सी क्रू था, द सी क्रू लेड ए फ्यू एग्स, उसने कुछ अंडे दिए। लेड होता है अंडे देना, ले लेड लेड अंडे देना, फ्यू कुछ। द सी क्रू लेड ए फ्यू एग्स, जो सी क्रो था उसने कुछ अंडे दिए। इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में। दियर आल्सो लिव्ड अन इविल स्नैक इन द रूट्स ऑफ द सेम ट्री। रूट्स होता है जड़ें, इविल होता है दुष्ट और स्नैक होता है सांप। दियर आल्सो लिव्ड अन इविल स्नैक, वहाँ एक दुष्ट सांप भी रहता था। इन द रूट्स ऑफ द सेम ट्री, उस पेड़ की ही जड़ में एक सांप भी रहता था, जो क्या था, दुष्ट था, इविल दुष्ट। द स्नैक हैड मेड ए होल इन द रूट्स टू लिव दियर। स्नैक सांप, होल होता है बिल या छेद, रूट्स जड़। द स्नैक हैड मेड ए होल इन द रूट्स टू लिव दियर। सांप ने एक बिल बना लिया था उस पेड़ की जड़ों में वहाँ रहने के लिए। टू लिव दियर, टू लिव दियर वहाँ रहने के लिए। द स्नैक क्राउल्ड ऑन टू द टॉप ऑफ ट्री टू फाइंड द एक्स लेड बाई द सी क्रो। क्राउल्ड, इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, क्राउल्ड चढ़ा या रेंग रेंग के जो चढ़ते हैं, क्राउल्ड चढ़ा ऑन टू द टॉप ऑफ, ये होता है चोटी पर। फाइंड ढूंढना, एक्स अंडे, लेड अंडे दिए, और सी क्रू वही जो फीमेल क्रू थी। इसका अब हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। द स्नैक क्राउल्ड ऑन टू द टॉप ऑफ ट्री, जो सांप था वो रेंग रेंग कर उस पेड़ की चोटी तक चढ़ गया। टू फाइंड द एक्स लेड बाय द सी क्रू, उन अंडों को ढूंढने के लिए जो किसने दिए थे, जो सी क्रू, जो सी कौआ था, उसने जो दिए थे, उन अंडों को ढूंढने के लिए वो पेड़ के ऊपर तक चढ़ गया। इट वॉज ए ट्रीट टू हिम, यह उसके लिए उपहार था या फिर दावत थी, क्योंकि अंडे उसे मिल गए थे। इट वॉज ए ट्रीट टू हिम, यह उसके लिए दावत थी। ही एट अप ऑल द एग्स एट वंस। एट अप होता है ईट का सेकेंड फॉर्म, एट अप खा गया एग्स अंडे एट वंस तुरंत। ही एट अप ऑल द एग्स एट वंस, वह सारे अंडे तुरंत खा गया। व्हेन द क्रोज रिटर्न, जब कौए वापस हुए, दे कुड नॉट फाइंड दियर एग्स। रिटर्न होता है वापस लौटना, इसमें डिफिकल्ट, और फाइंड होता है पाना। व्हेन, जब द क्रोज रिटर्न, जब कौए वापस हुए या जब कौए वापस लौटे, दे कुड नॉट फाइंड दियर एग्स, वे अपने अंडे नहीं पा सके, उनके अंडे सांप खा चुका था। द क्रोज वर हेल्पलेस एंड फेल्ट सैड। हेल्पलेस होता है असहाय, और फेल्ट सैड दुखी, सैड। जो कौए थे वो असहाय और दुखी थे, क्योंकि उनके अंडे खा गए थे, वो कुछ नहीं कर पाए उस सांप का, क्योंकि वो दुष्ट था, उन्हें काट लेता। द क्रोज डिसाइडेड टू डू समथिंग टू टीच द स्नैक ए लेसन एंड लुक्ड फॉर ए चांस।
क्रोज कौए डिसाइडेड फैसला किया समथिंग, डू समथिंग कुछ करने का, समथिंग होता है कुछ, टीच सिखाने का, टीच होता है सिखाना, और लेसन पाठ या सबक, लुक फॉर होता है हमारा तलाश करना, और चांस मौका। द क्रोज डिसाइडेड टू डू समथिंग, कौओं ने कुछ करने का फैसला किया, टू टीच द स्नैक ए लेसन उस सांप को एक सबक सिखाने का, एंड लुक्ड फॉर ए चांस और वो क्या था एक मौके की तलाश करने लगे। वन डे एक दिन ही क्रो व्हाइल फ्लाइंग ओवर द पैलेस नोटिस्ड द प्रिंसेस बियरिंग ए वेरी कॉस्टली नेकलेस। वन डे होता है एक दिन, ही क्रो जो मेल कौआ था फ्लाइंग उड़ रहा था या उड़ते हुए, पैलेस होता है महल, नोटिस्ड ध्यान दिया, प्रिंसेस प्रिंसेस होता है राजकुमारी, बियरिंग पहने हुए, बैरी बहुत, और कॉस्टली महंगा, नेकलेस होता है गले का हार। वन डे एक दिन द ही क्रू व्हाइल फ्लाइंग ओवर द पैलेस, एक दिन जब वो ही कौआ एक महल के ऊपर उड़ रहा था पैलेस, नोटिस्ड द प्रिंसेस उसने क्या किया, एक राजकुमारी को नोटिस किया, उसने देखा बियरिंग ए वेरी कॉस्टली नेकलेस, उसने राजकुमारी को एक बहुत ही महंगा गले का हार पहने हुए देखा। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू ट्रैप द स्नैक, थॉट सोचा, प्लान योजना, ट्रैप फंसाना, स्नैक सांप। ही थॉट ऑफ ए प्लान उसने एक योजना सोची टू ट्रैप द स्नैक सांप को फंसाने की। एट वंस तुरंत ही स्वॉप्ड डाउन एंड पीक्ड अप द बिग, एडवांस तुरंत ही स्वॉप्ड, स्वॉप्ड होता है झपट्टा मारना, ही स्वॉप्ड डाउन उसने झपट्टा मारा, एंड पीक्ड अप द बिग और सबसे बड़ा उठा लिया, पीक्ड अप द बिग नेकलेस इन हिज बीक एंड फ्लू अबे, उसने सबसे बड़ा हार अपनी चोंच में उठा लिया, बीक होता है चोंच, एंड फ्ली अबे और वहां से क्या हो गया भाग गया, फ्लू अबे भाग जाना या उड़ जाना। As planned, the sea crew dropped the necklace in front of the hollow of the snake. इसमें difficult word क्या है देखो, as planned योजना के अनुसार, ऐसे word आते हैं as planned योजना के अनुसार, और ये कोमे से बंद भी है। Sea crew कौआ dropped गिराने देना या गिरा दिया necklace हार in front of, in front of होता है सामने, बिफोर होगा तो किसी व्यक्ति के लिए आएगा और किसी प्लेस के सामने तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू या आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द जज, तो यहाँ क्या है इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा अगर कोई व्यक्ति है तो, अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ क्या आएगा बिफोर, और अगर ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर गेट, वह आपके दरवाजे पर खड़ा था, तब वहाँ इन फ्रंट ऑफ लगा देंगे, अगर निर्जीव है तो इन फ्रंट ऑफ और सजीव है तो सामने के अर्थ में हम बिफोर लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, और होलो होता है बिल और स्नैक सांप। एज प्लान्ड योजना के अनुसार द सी क्रू ड्रॉप्ड द नेकलेस, जो सी क्रू थी उसने क्या करा उस हार को गिरा दिया, कहाँ गिराया इन फ्रंट ऑफ द होलो ऑफ स्नैक, जो सांप का बिल था उसके सामने गिरा दिया। द प्रिंसेस हैड मीन वाइल मेड ए लॉट ऑफ नॉइस, जब वहां से वो कौआ उस हार को चुरा कर लेके गया तो क्या किया प्रिंसेस ने उस दौरान काफी शोर मचाया, मेड ए लॉट ऑफ नॉइस, काफी शोर मचाया मीन वाइल इस दौरान, एंड हर गार्ड्स रेन आफ्टर द क्रो, और जो उसके सुरक्षा कर्मी थे या रक्षक थे वो उस कौए के पीछे भागे, रेन आफ्टर पीछा किया। दे नोटिस्ड दैट द नेकलेस वाज इन द होल ऑफ द स्नैक, नोटिस्ड देखा या ध्यान दिया, होल बिल और नेकलेस गले का हार। दे नोटिस्ड दैट उन्होंने देखा कि द नेकलेस वाज इन द होल ऑफ द स्नैक, जो गले का हार था वो कहाँ था, वो सांप के बिल में था। दे केम नियर
द ट्री, वे पेड़ के पास आए, दे केम नियर द ट्री, वे पेड़ के पास आए, उस पेड़ के पास आए जहाँ उस सांप का बिल था और जहाँ वो हार पड़ा था, दे केम नियर द ट्री, वे पेड़ के पास आए, दियर द स्नैक हैड कम आउट ऑफ इट्स होल, कम आउट बाहर आना, दियर द स्नैक हैड कम आउट ऑफ इट्स होल, और जो सांप था वो भी अपने बिल से बाहर आ चुका था, द गार्ड्स हैड टू टेक दैट नेकलेस फ्रॉम दियर, गार्ड सुरक्षाकर्मी हैड टू टेक लेना था या ले जाना था, द गार्ड्स हैड टू टेक दैट नेकलेस फ्रॉम दियर, और सुरक्षा कर्मियों को क्या काम था जब उन्होंने वो नेकलेस देखा, किसी भी हालत में वो लेकर जाना था, तो द गार्ड्स हैड टू टेक, सुरक्षा कर्मियों को ले जाना था दैट नेकलेस, उस हार को फ्रॉम दियर, वहाँ से सुरक्षा कर्मियों को उस हार को वहाँ से लेके जाना था, सो दे किल्ड द इविल स्नैक विद दियर स्पीयर्स एंड कैरीड दैट नेकलेस बैक टू द प्रिंसेस, स्पीयर्स होता है भाला, और कैरीड ले जाना बैक वापस, और प्रिंसेस राजकुमारी, इविल होता है इविल दुष्ट, हमने पहले भी पढ़ा था, सो इसलिए, अब इसका पूरे का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, सो इसलिए दे किल्ड द इविल स्नैक, इसलिए उन्होंने उस दुष्ट सांप को मार दिया, विद दियर स्पीयर्स एंड कैरीड दैट नेकलेस बैक टू द प्रिंसेस, उन्होंने अपने भाले से उस दुष्ट सांप को मार दिया और जो वो हार था उसे वापस राजकुमारी के पास ले गए, एंड दैट वाज हाउ द क्रोज वर एबल टू गेट रिड ऑफ दियर एनिमी, ये जैसे हम कहते हैं ना कि किस तरह से, हिंदी में हम कहते हैं कि किस तरह से वो सफल हुए उनसे मतलब छुटकारा पाने में, तो ये वही है, एंड दैट वाज हाउ द क्रोज वर एबल टू गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, और दियर अपने एनिमी, एनिमी होता है शत्रु, एंड दैट वाज हाउ, और किस तरह से द क्रोज वर एबल टू, जो कौए थे वो सक्षम हो पाए गेट रिड ऑफ दियर एनिमी, अपने शत्रु से छुटकारा पाने में, दे लिव्ड हैप्पीली दियर आफ्टर, और उसके बाद क्या था, उसके बाद वो अपने जीवन को खुशी से जिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियो रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, और कमेंट जरूर करना।